தினம் தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு. பெங்களூருவை தொடர்ந்து டெல்லியிலும் கடும் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. கோடை வெயில் கொளுத்தும் நிலையில் குடிக்கவும் குளிக்கவும் போதிய தண்ணீர் இல்லாமல் டெல்லி வாசிகள் தவிக்கின்றனர். குடியிருப்புகளுக்கு வழக்கத்தை விட குறைவான அளவே தண்ணீர் சப்ளை செய்யப்படுவதால் பல இடங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. ஒரு பக்கம் தண்ணீர் பஞ்சம் நிலவும் நிலையில் ஒரு சில இடங்களில் தண்ணீர் வீணடிக்கப்படுவதாக அரசுக்கு புகார் வந்துள்ளது. சோதனையான இந்த நேரத்தில் தண்ணீரை வீணடிக்காமல் சிக்கனமாக பயன்படுத்தும்படி அமைச்சர் அதிஷி டெல்லிவாசிகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். பல பகுதிகளில் குடிநீர் சப்ளை முற்றிலும் தடைப்பட்டுள்ள நிலையில் சில இடங்களில் பைப்புகளை திறந்து வைத்து கார்களை கழுவுவதை பார்க்க முடிகிறது. மக்கள் தயவு செய்து இதுபோன்ற செயல்களை கைவிட வேண்டும். சில வீடுகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து தண்ணீர் வீணாக வழிவதும் வருத்தம் அளிக்கிறது. சரியான நேரத்தில் மோட்டார்களை ஆஃப் செய்து தண்ணீர் வீணடிக்கப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும். ஹரியானாவிலிருந்து டெல்லிக்கு வரும் தண்ணீர் அளவு மிக குறைவாக உள்ளது. இதனால் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் சப்ளை செய்வதில் அரசுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. சில நாட்களில் நிலைமை சீராகும். அதுவரை மக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் அதிஷி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். कि चाहे आपके एरिया में पानी की समस्या हो या आपके एरिया में अभी पानी की समस्या ना हो, प्लीज पानी की सप्लाई को बहुत केयरफुली यूज करें। आज के दिन में जब दिल्ली में पानी की सप्लाई इतनी घट गई है, आज के दिन में जब दिल्ली के कई हिस्सों में बिल्कुल पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते, कि जिस जिस के पास पर्याप्त सप्लाई आ रही है उसको वो वेस्टफुली इस्तेमाल ना करें। कृपया करके अपनी गाड़ियों को खुली पाइप से ना धोएं। कहीं पर भी पानी की सप्लाई के पानी को गाड़ियां धोने के लिए यूज ना किया जाए। ये बहुत वेस्टफुल यूज है पानी का और इसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। आज भी मैंने देखा साउथ दिल्ली के कई रेजिडेंशियल एरियाज में कि लोगों के घरों के बाहर उनके ड्राइववेज में पानी बह रहा है गाड़ियों के धोने से। तो मेरी सबसे ये अपील है कि आप गाड़ियां ना धोएं। अगर अगले एक दो दिन में इस पब्लिक अपील से काम नहीं चलता तो हो सकता है हमें एक्सेस यूज ऑफ वाटर का पर चालान भी लगाना पड़े, लेकिन अभी हम सिर्फ दिल्ली वालों से अपील कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, आप अपनी मोटर पर प्लीज ध्यान रखिए जब पानी भर रहे हैं। अभी भी दिल्ली के कई हिस्सों में टंकियों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कों पर आ रहा है। जब पानी की इतनी शॉर्टेज है, इस तरह का मिसयूज बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और तीसरा, डे टू डे जो हमारे घर का भी कंजम्पशन है, जहां जहां पर हो सके पानी के यूटिलाइजेशन को जितना बेस्ट पॉसिबल तरीके से कर सकते हैं, बिना पानी को वेस्ट किए हुए कर सकते हैं। मेरी आप सबसे ये अपील है कि दिल्ली इस समय अक्यूट हीट वेव से गुजर रही है और दिल्ली में इस समय हरियाणा पानी बहुत कम छोड़ रहा है। तो सभी दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर साथ आएं और इस समस्या का समाधान करें। थैंक यू।